बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को जो है यहाँ पर कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ, जिससे आपको आगे की वीडियो देखने में और भी इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ इंस्टाग्राम को, और यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया और ये जो है तुरंत से डाउनलोड भी हो गया और इंस्टॉल भी हो गया। अब मैं इसको फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करता हूँ, फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करता हूँ, जिससे आपको जो है पता लग जाए कि रियली ये ट्रिक वर्क कर रही है। तो अब मैं यहाँ पर आपको मैसेंजर को भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अब जो है मैं यहाँ पर पहले इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ और फिर से इसको इंस्टॉल करूंगा, तो आप देखोगे कि दोबारा से ये भी ऐसी ही है। तो आप सभी को पता है ये जो दोनों एप्लीकेशन जो है 50 MB से ऊपर है और इनको डाउनलोड करना इतना आसान नहीं है बिल्कुल इतने कम टाइम में। तो अब जो है मैं यहाँ पर आपको अगली एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, जो है फेसबुक। तो इसको भी जो है हम सर्च कर लेते हैं पहले। तो अब जो है इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ और दोबारा से इसको भी मैं इंस्टॉल करूंगा दूसरे एप्लीकेशन की तरह। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे, और ये भी एप्लीकेशन जो है कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। तो आप देख सकती हो मैंने जो है यहाँ पर तीन एप्लीकेशन को आपको दिखाया, और ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन साइज में बहुत ज्यादा है, और ये जो है सभी के सभी एप्लीकेशन तुरंत से डाउनलोड होए जा रही है। तो गाइस अब चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ कि मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप इस ट्रिक का यूज करना चाहते हो तो आपके डिवाइस में एक फीचर होना चाहिए जिसका नाम है सेकंड स्पेस। तो ये जो फीचर है आपको MIUI और बहुत से डिवाइसेस में मिल जाता है, चाहे वो लेनोवो को हो, और बहुत से ब्रांड के डिवाइसेस में आपको अब ये फीचर मिल जाता है। तो अगर आपके डिवाइस में ये फीचर नहीं है तो ये ट्रिक आपके फोन में वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हम जो है इसी का यूज करके इन एप्लीकेशन को इतनी जल्दी डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइस अब जो है आपको सेटिंग्स में जाना है अपने डिवाइस की, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है सेकंड स्पेस। तो यहाँ पर आपको जो है अपना सेकंड स्पेस क्रिएट कर लेना है इस फीचर में, और उसके बाद जो है आपको आगे की ट्रिक को परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है पहले से ही इसको अनेबल कर रखा है और अपना जो है सेकंड स्पेस भी क्रिएट कर रखा है। तो अब मैं चलता हूँ सेकंड स्पेस में अपने। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि अब स्विचिंग चालू हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ अपने सेकंड स्पेस में। तो सेकंड स्पेस में आने के बाद आपको जो है यहाँ पर मूव डाटा पे क्लिक करना है, और आपको फिंगरप्रिंट से स्कैन करना है अपना स्कैनर, और आपको अब जाना है ऐप सेटिंग में। तो ऐप सेटिंग में जाने के बाद आपको वो एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हो अपने प्ले स्टोर में, जिसकी मदद से आप जो है सुपर फास्ट उसको डाउनलोड कर पाओगे। तो अब मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो है मैसेंजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको यहाँ पर अब सिलेक्ट करना है यूज इन बोथ स्पेसेस। तो इसकी मदद से आप जो है दोनों डिवाइसेस में यूज कर पाओगे मैसेंजर को। तो जैसे आपका आइकन क्रिएट हो जाए तो आपको जो है इस एप्लीकेशन को एक बार ओपन कर लेना है। अगर आप ओपन नहीं भी करोगे तब भी ये वर्क करेगी। तो अब आपको जो है अपने फर्स्ट स्पेस में आ जाना है। तो फर्स्ट स्पेस में आने के बाद आपको जो है अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन सर्च करना है जिसको आप डाउनलोड करना चाह रहे थे सुपर फास्ट। तो यहाँ पर मैं मैसेंजर सर्च कर लेता हूँ और मैसेंजर को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आपके सामने दोबारा से अनइंस्टॉल करता हूँ और दोबारा से इसको जो है अब इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर जो है इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, और इसको मैं दोबारा से इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे कि ये जो है सुपर फास्ट डाउनलोड हो जाएगी मेरे फर्स्ट स्पेस में। तो जैसे मैं अब इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये एप्लीकेशन जो है कैसे सेकंडों में डाउनलोड हो जाती है। तो आपने देखा कि ये एप्लीकेशन जो है कितनी जल्दी इंस्टॉल हो गई। तो गाइस इस ट्रिक का यूज करके आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं, और वो सोचेंगे कि आप जो है इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन को कैसे सेकंडों में डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये ट्रिक का यूज करके आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से प्रैंक कर सकते हैं, और उनको लगेगा कि आप जो है बहुत ही फास्ट कोई नेटवर्क स्पीड यूज कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन की।